हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंडेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ हो, सो आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। और आपको जितने भी क्वेश्चंस मेरे हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो सीक्वेंस में देखने हैं। आगे पीछे करके लेक्चर्स मत देखना, समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 सीखा था, जिसमें आई और डब्ल्यू सीधा दिया हुआ था। आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर और वेट दोनों दिए हुए हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 20 सीखा, जिसमें डब्ल्यू दिया हुआ था, हमने आई कैलकुलेट किया, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ना आई दिया हुआ है ना डब्ल्यू दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी। सो एज इट इज़ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया आइटम्स। अब क्वांटिटी में देखो, आप यहाँ पर ईयर दिया हुआ है कि 2010 की क्वांटिटी, 10 का प्राइस, 12 का प्राइस। इट मीन्स 12 को हम करंट ईयर मान लें तो करंट ईयर का प्राइस है, बेस ईयर का प्राइस है और बेस ईयर की क्वांटिटी है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी दी हुई है बेस ईयर की, तो लिखेंगे Q0। Q0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो ईयर है ये है 10, ठीक है। प्राइस यहाँ पर लिखूँगा 10 और ये है 12। अब सबसे पहले हमें I कैलकुलेट करना है, फिर हमें W कैलकुलेट करना है, फिर हमें IW कैलकुलेट करना है, एंड देन हम कैलकुलेट कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, विच इज सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सो नाउ सबसे पहले I कैलकुलेट करते हैं। सो I क्या होगा? P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। सो 35 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, तो यहाँ पर हमें I मिलता जाएगा। फिर से P1 डिवाइड बाय P0, 48 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 133.33। 16 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, सो 133.33। 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, सो 166.67। एंड 28 डिवाइड बाई 28, तो ये आ जाएगा 100। नाउ हमें W कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0। और ये सभी फार्मूलाज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, जो हमने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया है, उसमें करवाई थी। सो P0 इंटू Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 25, मैं एम प्लस करता जाऊंगा। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सिखाया है एम प्लस करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 16 इंटू 25 400, देन 7 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 252, 3.5 इंटू 12, तो ये हो गया 42, 2.5 इंटू 6 ये हो गया 15, 3 इंटू 28 तो ये हो गया 84। अब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 793। अब ये हमें वेट मिल गया। अब वेट के बाद क्या करना है? आई और डब्ल्यू। पहले हमने I फाइंड आउट किया, फिर W फाइंड आउट किया, अब IW फाइंड आउट करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। सो 400 इंटू 140, तो ये हो जाएगा 56,000। देन 252 इंटू 133.33, तो ये आंसर आ रहा है 33,599.16। 133.33 इंटू 42, तो ये आंसर होगा 55,99.86। 166.67 इंटू 15, तो ये आंसर होगा 2500.05।
हंड्रेड इंटू 84 तो ये आंसर हो जाएगा 8400, और टोटल करेंगे तो ये होगा 1060.99.07। अब कभी हो सकता है कि पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, सो वो एक्सेप्ट करना है आपको 1060.99.07 डिवाइड बाय 793। वैसे तो आएगा नहीं, अगर आपका आंसर परफेक्ट है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 133.79 और बुक में दिया हुआ है 133.8। हो सकता है 9 की वजह से बुक में इन्होंने आंसर 8 कर दिया हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर सीखने के लिए पहले आई कैलकुलेट किया, फिर डब्ल्यू कैलकुलेट किया, एंड देन आई डब्ल्यू कर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 21 सीखा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 सीखने वाले, ये आप नोट डाउन कर लो यहाँ तक।